गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास फोर साइंस का जो है लिविंग बींग्स, फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स का आज हम लोग का 11वां जो है दिन है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज की लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन भी लेते हैं और पानी भी लेते हैं। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर। सभी जंतुओं को और पौधों को किस चीज की जरूरत होती है, फूड यानी कि भोजन की और पानी की। व्हेन वी फील हंगरी एंड थर्स्टी वी टेक इन फूड एंड वाटर। जब भी हम लोग भूख या प्यास को महसूस करते हैं हम लोग क्या करते हैं, भोजन या पानी हम लोग लेते हैं। You can see the flies sitting on food and eating it. तुमने मक्खी को देखा होगा किस पे? तुमने मक्खी को भोजन पर बैठे हुए देखा होगा और उसे खाते हुए भी देखा होगा। Animals get their food from plants or smaller animals. जो जंतु है वो क्या करते हैं, जंतु या तो पौधों को भोजन में ग्रहण करते हैं या नहीं तो अपने से छोटे जंतुओं को मार के खाते हैं। जैसे कहने का मतलब बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया, तुमने देखा होगा कि गाय भैंस बकरी ये क्या करते हैं, पौधों को ही खाते हैं, घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं या पौधों को ये लोग खाते हैं। लेकिन बहुत सारे जंतु जैसे शेर क्या करता है, हिरण को खाता है। यानी जंतु क्या करते हैं, पौधों को भी खाते हैं और छोटे अपने जानवरों को भी, छोटे जंतुओं को भी, अपने से छोटे जंतुओं को भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों के भागों को ही खाते हैं, यानी कि पौधों की पत्तियों को ही खाते हैं। सम एनिमल्स किल एंड ईट ओनली स्मॉलर एंड वीकर एनिमल्स। कुछ जंतु होते हैं क्या करते हैं कि अपने से छोटे या कमजोर जंतुओं को मार के खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ जंतु होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर विद देयर माउथ। जंतु क्या करते हैं, भोजन और पानी अपने मुंह के जरिए लेते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। पौधे क्या करते हैं कि पानी जो है किसे लेते हैं, अपने रूट्स यानी कि अपने जड़ के द्वारा लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद से बनाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट फॉर इट। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मल्स एंड मशरूम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिक्लेइंग मैटर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, लेकिन जो नॉन ग्रीन होते हैं, जो हरे पौधे नहीं होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, डिक्लेइंग मैटर्स यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पर ये लोग उगते हैं। जैसे एक मर्स हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम तो तुमने देखा ही होगा जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, या उसको हम लोग देहात में गाँव की भाषा में हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। किसको, मशरूम जिसको कहा जाता है। तो वो क्या होता है, जिसको हम सांप का छत्ता भी कहते हैं, वो क्या होता है कि सड़े गले पौधे पदार्थों पर ही वो उगते हैं, वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। हैव यू एवर सीन ए चेयर और इंजन ईटिंग फूड। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई कुर्सी या किसी इंजन को भोजन करते हुए। नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट फूड। नहीं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं यानी कि जो निर्जीव चीज होती है वो भोजन खुद से नहीं करती है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब हम लोग आते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो यानी कि वृद्धि करते हैं। कि ऑल लिविंग थिंग्स फीड, दे ईट टू ग्रो एंड वर्क। ए बेबी ग्रोज इनटू ए मैन। जो सभी जीव होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हें सभी जीवों को, सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है। ये क्या करते हैं, दे ईट टू ग्रो एंड वर्क। ये भोजन किस लिए करते हैं, वृद्धि करने के लिए और काम करने के लिए। ए बेबी ग्रोज इनटू ए मैन। एक छोटा बच्चा वृद्धि करके बड़ा होकर क्या बनता है, एक मनुष्य बन जाता है। ए किटन ग्रोज इनटू ए कैट। एक बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है, बिल्ली बन जाती है। ए चिक ग्रोज इनटू ए हेन।
एक चिक यानी कि मुर्गी के बच्चा कहते हैं, मुर्गी का बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है, या तो मुर्गा बन जाएगा या तो मुर्गी बन जाएगी। एक कैटरपिलर ग्रोज इनटू ए बटरफ्लाई, और एक कैटरपिलर जिसको हम लोग प्यूपा कहते हैं, ये कैटरपिलर क्या होता है, वृद्धि करके एक सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट, एक बीज वृद्धि करके क्या बनता है, एक पौधा बनता है। ए स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज, और छोटे पौधे वृद्धि करके क्या बन जाते हैं, एक पेड़ बन जाता है। ग्रोथ बींग्स चेंज इन शेप एंड साइज, और जैसे जैसे वृद्धि करते हैं इनके शेप में, इनकी आकार में, आकृति में बदलाव आ जाता है। आफ्टर ग्रोइंग अप लिविंग थिंग्स लीव फॉर सम टाइम्स, और वृद्धि करने के बाद से जो जीवित प्राणी होते हैं वो कुछ समय तक जीवित रहते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक द फ्लाई एंड द बी मे लीव फॉर ओनली ए फ्यू डेज, जो इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े या कुछ फतिंगे वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, कुछ ही दिनों तक जीवित रहते हैं, यानी कि ये अंडा, अंडे से निकलेंगे बाहर, अंडे से बाहर निकलेंगे, ये वृद्धि करेंगे, बड़े होंगे और कुछ दिनों के बाद से ये मर जाते हैं। अदर एनिमल्स मे लिव फॉर इयर्स, व्हेन दे गेट वेरी ओल्ड दे डाई, लेकिन कुछ जंतु होते हैं जो क्या होता है, वो वृद्धि करते हैं और कुछ समय तक जीवित रहते हैं, उसके बाद से वो मर जाते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग 60 से 70 साल जीवित रहते हैं और हम लोग मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए पेन बैट टीबी कैन नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि पेन हो गया, टीबी हो गया, बैट हो गया, ये वृद्धि नहीं करते हैं। ओनली लिविंग बींग्स ग्रो, सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणी ही वृद्धि करते हैं। अब आते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स यानी के लिविंग थिंग्स होता है, क्या करते हैं लिविंग थिंग्स, अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन किड, सभी एनिमल्स यानी के जंतु और पौधे अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फीमेल एनिमल्स लाइक काउ कैट बीच एंड मेयर गिव बर्थ टू बेबीज, फीमेल होती है, फीमेल जंतु जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुतिया, ये क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। वुमेन ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वुमेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, कुछ जंतु जैसे होते हैं जैसे मेढक हो गया, छिपकली हो गई, और कुछ और पक्षी हो गए जो कि अपने अंडे देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स ऑन लैंड एंड ट्रीज, अदर ले एग्स इन वाटर, कुछ जंतु अंडे जो है जमीन पर देते हैं, कुछ पानी के अंदर देते हैं, और कुछ पेड़ों पे अंडे देते हैं। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, और बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स, और बहुत सारे जो पौधे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधों में फूल होता है, फूल में बीज होता है, फूल होता है, फूल से फल होता है, फल से बीज होता है, और बीज से क्या होता है, बीज से फिर नए पौधे उगते हैं। जैसे कि आम, आम हम लोग खाते हैं और आम की गुठली को हम लोग कहीं फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद से क्या होता है, उससे एक पौधा निकल जाता है, और वही पौधा फिर क्या होता है, पेड़ बन जाता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स, और नए पौधे इस बीज से निकल आते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर बड्स, स्टेम्स और लीव्स, कुछ जो पौधे होते हैं जो नए पौधे का निर्माण कैसे करते हैं, अपने पंखुड़ियों द्वारा, या अपने स्टेम यानी तने द्वारा, या अपनी पत्तियों द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। दस एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, इसलिए एक एडल्ट यानी एक बड़ा पौधा जो है एक छोटे पौधे को जन्म देता है। इमेजिन इफ कार्स कुड प्रोड्यूस मोर कार्स ऑफ द सेम काइंड, अब सोचो, कल्पना करो कि अगर कार भी अगर अपने जैसे संतान को जन्म देने लगे, बच्चा अपने जैसे जो है कार को जन्म देने लगे तो क्या होगा। नो दे कैन नॉट, दे आर नॉन लिविंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग है यानी कि ये निर्जीव है, इनमें जान नहीं होता है। रिमेंबर द अबव सिक्स पॉइंट्स विच हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एनी थिंग एज लिविंग और नॉन लिविंग,
अब याद रखना कि ये छह ऐसी चीजें हैं जिससे तुम ये पता कर सकते हो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की तुम की जानकारी ले सकते हो या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जान सकते हो। ये छह चीज क्या है हम बोर्ड पे इसको लिख दे रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लेना। पहला पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स मूव, दूसरा पॉइंट लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, थर्ड पॉइंट लिविंग थिंग्स ब्रीथ, चौथा पॉइंट लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। फिफ्थ पॉइंट लिविंग थिंग्स ग्रो। And sixth point, living things reproduce. Features of living things में क्या है? छह point है। पहला point living things move, दूसरा point living things feel and react, तीसरा point living things breathe, चौथा पॉइंट लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर, पांचवा पॉइंट लिविंग थिंग्स ग्रो और छठा पॉइंट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। यानी कि ये छह पॉइंट ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से लिविंग थिंग्स हैं और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स जो है, ये हमारा इसका रिविजन हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। फिर लास्ट वीडियो में हम यही बोलेंगे कि जिसको भी वीडियो चाहिए, जिसको शुरू से वीडियो नहीं मिली है, वो जो दिया हुआ है होम स्कूलिंग व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करो, तुमको वहां से लिंक मिल जाएगा या तुम जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे।